फिर से एक बार नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। So I just want कि कोई भी सरकार बने हमें फर्क नहीं पड़ेगा जी। जैसे यूपी में योगी जी हैं वैसे बिहार में गिरिराज सरकार बिहार को सुधार देंगे एकदम। कोई काम नहीं नीतीश कुमार का जी। तो मेरा सपोर्ट तो बीजेपी को ही रहेगा इस बार। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी को ऊपर और चांस देना चाहिए। इस बार बदलेगी सरकार। और अकेले अगर अकेले चुनाव हर पार्टी लड़ेंगे तो फिर बहुमत किसी का नहीं आएगा। राष्ट्रपति बिहार में अब की बार आरजेडी की सरकार। फिर उसी राजद से जिसने की बिहार को इतना पीछे ले गए, जिसने बिहार के नागरिकों को फिर से वो सम्मान दिलाया था जो लालू राबड़ी जी के राज के दौरान हम खो चुके थे। अब की बार आरजेडी की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार आप किसकी झोली में आप अपना वोट गिराना चाहते हैं, कौन सी पार्टी के झोली में? देखिए भैया, ऐसे तो हम लोग शुरू से बीजेपी के सपोर्टर हैं जी समझे? जी, लेकिन इस बार अरुण कुमार सिन्हा जी का काम ठीक नहीं है जी समझे जी। और इस बार तो एकदम अरुण कुमार सिन्हा को हमको वोट देना ही नहीं है जी समझे। और मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है नीतीश जी के अलावा जी जी समझे। विकल्प रहता तो वो की उनका शराबबंदी तो एकदम फेलुअर है जी समझे। बिहार में हर गली में हर चौराहे पर शराब बिकता है समझे। गिरिराज सिंह जी, जैसे यूपी में योगी जी हैं वैसे बिहार में गिरिराज सिंह बिहार को सुधार देंगे एकदम। आरजेडी का है क्यों कोई काम नहीं नीतीश कुमार का जी। आई सपोर्ट बीजेपी बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनका काम बहुत बढ़िया हो रहा है सारा कुछ। अभी भी जितना भी उनका टाइम फ्रेम रहा उसमें बहुत सारी चीज हमें देखने को मिले। अभी भी जैसे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे पुल हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हम लोग कॉलेज आया करते तो बहुत एक लॉन्ग गैप बनता था। अभी वहाँ पे जो है बहुत सारे पुल बनाए जा रहे हैं, रोड क्लीन हो गया। इस बार ही मैं कुछ दिन पहले भी जो है राजगढ़ गया था, जो रोड हो चुका है वो एक टाइम होता था वो पूरा टूटा हुआ रोड होता था, वो पूरा जो है अब स्मूथ रोड है। इवन जितना भी संपत चक्का रोड है सारा रोड जो है क्लियर हो चुका है। इवन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है गाँव में स्पेशली उन्हें एजुकेशन मिल रहा है, सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशली फार्मर्स पर ध्यान दिया जाए। तो मेरा सपोर्ट तो बीजेपी को ही रहेगा। सवाल यह है कि इस बार किसकी सरकार। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ द गवर्नमेंट। मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हमारे एज अ यूथ को कोई भी कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करती, कोई भी चीज़ों को फॉलो नहीं करती, कोई भी चीज़ों को फुलफिल नहीं करती। सो आई जस्ट वॉन्ट कि कोई भी सरकार बने हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में अब की बार आरजेडी की सरकार, क्योंकि बिहार को एक युवा नेता की ज़रूरत है। इस बार तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी को ऊपर और चांस देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम में हमने देखा है कि लास्ट 15 साल में कितना बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, यू नो पहले नहीं हुआ था। देन आप लालू प्रसाद यादव जी का सरकार देख रहे हैं जिसमें कि आपने चारा घोटाला भी देखा है, जहाँ की आई डोंट थिंक कि हम लोग को ट्रस्ट करना चाहिए फिर उसी राजद पे जिसने कि बिहार को इतना पीछे ले गए। इसमें कि कास्टिज्म का वोट होता है, यादव लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मण लोग को अलग कास्टिज्म के लिए उनको अलग पार्टी चुनना होगा कि किन को सपोर्ट करें। बट आई थिंक नीतीश जी बहुत बेटर कर रहे हैं, बिहार के लिए बहुत अच्छा करा है उन्होंने। जो उन्होंने लड़कियों के लिए जो काम करा है, साइकिल दिया है, इवन जो रोड बना है पूरा बिहार में आपने देखा है कि किस तरीके से वो बिहार को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। और उन्होंने अभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो उन्होंने खुल के मांग कराया, आई थिंक कि अपने बिहार के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्हें और हमें एक बार और चांस देना चाहिए। और ऊपर से हमारे साथ मोदी जी भी है सेंट्रल में जो कि बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बार बदलेगी सरकार। बिहार राज्य का जो चुनाव होने वाला है उसमें इस बार जो सरकार बनेगी वो बदलकर बनेगी। पिछले 15 सालों से जो बनी आ रही है सरकार वो नहीं रहेगी। उसके पीछे का कारण आप भी जान रहे होंगे सही से, वो सबके सामने पर्दाफाश हो गया होगा। ये कोरोना महामारी के वक्त अस्पताल सुविधा सब कुछ मैनेजमेंट सुविधा सब पता चल गया होगा। साथ में अभी हाल में ही SSC रेलवे सबका जो आपने देखा
स्टूडेंट विद्यार्थी का जो क्या हाल हो रहा है, हम जैसे विद्यार्थी का, इसी वजह से इस बार बदलेगी सरकार, कोई बढ़िया सरकार इसके बदले में आया है, नया युवा सरकार, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, कोई हो, बदलेगी सरकार। नीतीश कुमार जो कि पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी दावेदारी फिर से सशक्त है और मेरा मानना है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा है जिसने बिहार के नागरिकों को फिर से वो सम्मान दिलाया था जो लालू राबड़ी जी के राज के दौरान हम खो चुके थे। नीतीश जी के पास वो योग्यता है, वो हुनर है कि अगर वो चाहें तो बिहार को आसमानी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। उनके अलावा बिहारियों के पास कोई भी ऐसा योग्य कर्मठ विकल्प नहीं है, इसलिए फिर से एक बार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अब की बार आरजेडी की सरकार, हम लोग इस बार आरजेडी को वोट दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण है जो जो विकास के लिए, जो एक समुदाय से ऊपर उठ के सभी के लिए बात करेगी सरकार, हम लोग उसके साथ हैं। आशुतोष कुमार बस एक सवर्णों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए हैं, वो सब के लिए बोलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, इसलिए हम लोग आशुतोष कुमार को वोट दे के इस बार बिहार को बचाने का काम करेंगे। उनको उनका जो सिंबल मिला है वो बल्ला बैट, तो उनका इस बार का जो रहेगा वो बल्ला घुमाओ चोरों को भगाओ। इस बार किसकी सरकार, तो मेरे हिसाब से तो इस बार उसकी सरकार जो कलाकारों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किए हैं तो कलाकार के समूह भी बहुत सफ़र किए सभी लोग के साथ, तो एक ऐसा सरकार है जो कलाकारों के बारे में सोचे, उन्हें कुछ नियमित संसाधनों का ज़रूरत जो होता है उसको पूरा करे और उनको एक नियमित आमदनी प्रोवाइड हो, इसके बारे में सोचे, ताकि जो कला है, जो संस्कृति है, इसका अच्छे तरीके से उपयोग हो सके और ये निखर कर सभी लोगों के सामने आए। समस्या है राजनेताओं के साथ साथ यहाँ के जनता को भी हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं तो और कौन, पटना में कोई वैसा नाम है जो कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार पर है? बीजेपी यहाँ से लड़ती है लेकिन बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर कौन उम्मीदवार है वो नहीं बताती है, तो घुमा फिरा के हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और बीजेपी को, बीजेपी का शहर में घर अच्छा है और मुझे भी लगता है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की ही सरकार बन सकती है, क्योंकि गठबंधन का फायदा होगा और अकेले अगर अकेले चुनाव हर पार्टी लड़ेंगे तो फिर बहुमत किसी का नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन होगा।